प्रणाम दीदी। प्रणाम दीदी। कहा दीदी कहाँ तुमने सब जाए था? अपना ही तो जाए थे। समूह के खाता खोलावे रही दीदी से अपना ही भी जाए थे। अच्छा समूह के अपने के बैठक कहिया हुआ है दीदी? सोमवार के हो है। तो ठीक है वही दिन आन के हम विस्तार रूप से समझा देवे सबके। ठीक है दीदी। सभी दीदी को प्रणाम। मेरा नाम नीतू देवी है। मैं ग्राम पोस्ट चंडोस के रहने वाली हूँ। सोना जी का स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष हूँ। सभी दीदी को प्रणाम है। मेरा नाम अर्चना देवी है। ग्राम पोस्ट चंडोस के रहने वाली हूँ। सोना जी का स्वयं सहायता समूह का सचिव हूँ। सभी दीदी को प्रणाम। मेरा नाम रीना देवी है। मैं चंडोस पंचायत के रहने वाली हूँ। सोना जी का स्वयं सहायता समूह की मैं कोषाध्यक्ष हूँ। सभी दीदी बैठा शांति पूर्वक से बैंक मित्रा दीदी आये हथिन खाता खोले के बारे में बता थी। हाँ तब बोलिए दीदी आप लोग के किस बात की जानकारी लेना है? हमनी के समूह के खाता खोला वाला है दीदी। कौन कौन कागज के जरूरत पड़ते है? ठीक है दीदी आप लोग शांति से बैठिए मैं सारी बात विस्तार से बताती हूँ। दीदी बताओ। सबसे पहले समूह के बैठक में निर्णय लिया होता है कि कौन से बैंक में खाता खुलवाना चाहिए। ये सारी बातें कार्यवाही पुस्तिका में लिखा होना चाहिए और खाता खुलाने के लिए एक फॉर्म होना चाहिए जो साफ साफ भरा हुआ चाहिए। समूह के दीदी के सभी का नाम होना चाहिए, उनका पति का नाम होना चाहिए और सभी दीदी का साइन या ठेपा होना जरूरी है। जिस दिन खाता खुलाने के बारे में निर्णय लिया जा रहा है उस दिन सारी दीदी की उपस्थिति होना जरूरी है। बैंक के फॉर्म पर दो गवाह का साइन होना चाहिए जो कि उसी बैंक में खाता हो। खाली फॉर्म में रहते हैं दीदी क्या और कुछ रहते हैं? समूह के तीनों नेता का तीन तीन गो फोटो होना चाहिए। समूह के नेता के दो पहचान पत्र होना चाहिए, उसको फोटो कॉपी पर हस्ताक्षर या अंगूठा का निशान होना चाहिए। सारी बातों के बाद समूह गठन हुआ है उसको प्रस्ताव का फोटोकॉपी होना चाहिए और जिस दिन निर्णय लिया गया है समूह में किस बैंक में खाता खुलाना है उस पन्ना को भी फोटोकॉपी होना जरूरी है। मोहर जरूर रहना चाहिए। ब्लॉक प्रबंधक के यहाँ से बैंक प्रबंधक के नाम से एक लेटर होना चाहिए। साथ में सीएम का भी अनुमोदन होना चाहिए। आप कुछ जरूरत पड़ती दीदी? एक बार सारी कागजात चेक करना जरूरी है। बैंकवा में पैसा सुरक्षित रहता है ना दीदी? कोई दिक्कत ना होता है? नहीं दीदी कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे आपको पैसा सुरक्षित रहता है बैंक में वैसे समूह का पैसा सुरक्षित रहेगा। सुधो उधो देते ना दीदी कि पैसा रखा रहते? नहीं दीदी जैसे आपको खाता पर ब्याज मिलता है वैसे समूह को भी खाता पर ब्याज मिलेगा। बैंकवा में पैसा निकाले ला का करे पड़ते दीदी? सभे दीदी को जाए पड़ता है। कितना पैसा निकालना है और समूह के दीदी के कितना कितना पैसा की जरूरत है? समूह में पैसा निकालने से पहले समूह के बैठक में निर्णय लिया जाता है। सारी बातें कार्यवाही पुस्तिका में लिखा होना चाहिए। लिखा हुआ पेज को उसका फोटोकॉपी होना चाहिए। लेखांकन वाला पेज को फोटोकॉपी होना चाहिए और उसका बैंक में बैंक वाला फॉर्म साथे लगना होना चाहिए। फिर समूह का मोहर लगना चाहिए, उस पर तीनों नेता का ठेपा या साइन होना चाहिए। इतना होने के बाद समूह का तीनों नेता जाकर पैसा निकाल सकती है। वहाँ बैंक में जीविका के तरफ से एक बैंक मित्रा रहती है, वहाँ गेला पर सब तरह की आप लोग की मदद करेगी। बैंक जाने के साथ पासबुक और मोहर जरूर रहना चाहिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद दीदी।
जो हमारे समूह में आकर विस्तार पूर्वक से बैंक में खाता खुलवाने के बारे में बता दिए। अच्छा, हम चलते हैं दीदी, सभी दीदी को मेरा प्रणाम।